इस तरह का टेस्टी एंड स्पाइसी तवा अंडा मसाला तो आपने सिर्फ जहाँ पर स्ट्रीट फूड मिलता है वहीं पर बहुत ही चाव से खाया होगा, है ना, क्योंकि आपको इसे बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तवा अंडा मसाला एकदम स्ट्रीट फूड स्टाइल में घर पर बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कि इस तरह का तवा अंडा मसाला बनाने के लिए किस तरह का मसाला वो लोग यूज करते हैं वही हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आता है तो सबसे पहले इसे लाइक कमेंट शेयर एंड आवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। देख लीजिए, तवा अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, एकदम फाइनली चॉप जिसे कहते हैं उस तरीके से मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। और उसी तरीके से टमाटर को भी कट करना है आपको। थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, 1 से 2 मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, इसे मैंने क्रश कर लिया है वैसे तो, और 2 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी कट करके ले ली है। देख लीजिए, अब यहाँ पर मैंने लिए है 4 बॉयल एग, ये अंडे बिल्कुल उबाल कर मैंने लिए हैं और इसके ऊपर के जो छिलके होते हैं उसे भी निकाल लिया है। तो बस अब आपको क्या करना है, एक चाकू की हेल्प से इस तरह से इसे बीच में से कट करने के बाद अंदर का जो पीला हिस्सा होता है या योक होता है उसे निकाल लेना है और जो एग वाइट होता है उसे अलग रखना है। देख लीजिए, अगर आप अंडों को अच्छी तरह से बॉयल करते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से आपका हो जाता है। देख लीजिए, इस तरह से मैं सारे अंडों को इस तरह से कट करके अंदर का पीला हिस्सा अलग रख लेती हूँ। बिल्कुल अभी ये अंडा तवा मसाला बनाने के लिए तैयार है। अब गैस के ऊपर मैंने तवा भी रख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग तवा अंडा मसाला बना रहे हैं इसीलिए तवे का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते तो इसे किसी भी तरह की पैन में बना सकते हैं। देख लीजिए, अब तवा अच्छे से गर्म भी हो चुका है तो अब इसमें डाल देते हैं 4 से 5 चम्मच बटर। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा बटर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी नहीं है तो तेल डाल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डालते टाइम आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल तवा अंडा मसाला बना रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी आप यहाँ पर कंजूसी मत कीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने इस मेल्टेड बटर के ऊपर डाल दिए हैं हमारे अंडे। तो देख सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो बस अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा नमक, जिसे हमें बस स्प्रिंकल करना है। ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना है क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक होता है। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर या काली मिर्च का पाउडर भी ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसे हम दूसरी साइड के लिए फ्राई होने के लिए इस तरह से पलट लेंगे। बस इस तरह से आपको इसे रखना है, चाकू की हेल्प से बहुत ही आराम से आप इसे कर सकते हैं। देख लीजिए, हमें बस इस तरह से इसे 1 से 2 बार और टर्न करते हुए दोनों साइड से अंडों को अच्छी तरह से इस बटर में फ्राई करना है, क्योंकि जो बटर का फ्लेवर होता है, जो स्वाद होता है, वो अंडों में इस तरह से बहुत ही बढ़िया से अंदर तक आ जाता है। अंडे तो अब यहाँ पर अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देख लीजिए, इस तरह से आराम से आपको इसे प्लेट में निकालना है। बस ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ बटर है उसी में हम लोग यहाँ पर ग्रेवी बनाएंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ 2 तेजपत्ते और 2 हरी इलायची। तो इसे भी हम बस 30 सेकेंड्स के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें इसे एकदम बारीक कट कर लेना है, फाइनली चॉप जिसे कहते हैं उस तरीके से, और 2 हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। हमें इसमें एकदम बारीक कट करके डालना है, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो अच्छे से यहाँ पर थिक बननी चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम फाइनली चॉप करके डालनी है, क्योंकि ये रेसिपी खास करके मैंने बैचलर्स के लिए बनाई है। तो उनके पास मिक्सी नहीं होती, ग्राइंडर नहीं होता, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं होती, तो इसीलिए इस तरीके से आपको इसे कट करना होगा। तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट।
बस इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और बस इसके बाद तुरंत डाल देते हैं 1 टमाटर, वो भी मैंने एकदम बारीक कट करके लिया था, और एकदम लाल टमाटर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने की वजह से हमने जो इसमें टमाटर यूज़ किया है वो अच्छी तरह से जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, एकदम गल जाता है। तो बस अच्छी तरह से इसे एक बार इस तरह से आपको मैश करना है, क्योंकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी ग्रेवी को टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है, उसे भी एक बार अच्छी तरह से इस ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा है। तो बस इसे 3 से 4 मिनट इस तरह से फ्राई करने के बाद हम इसमें अब बाकी की सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो इसमें अब डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल देती हूँ गरम मसाला। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो आपके घर में अगर पाव भाजी मसाला है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पाव भाजी मसाला भी नहीं डालना चाहते तो सांभर मसाला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इस ग्रेवी की टेस्ट अच्छी आती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करने से इसका कलर कितना अच्छा आया है, एकदम प्रॉपर रेड कलर इसका आया है। अब इसमें जाएगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो देख लीजिए, हमने जो यहाँ पर अंडों के अंदर का पीला हिस्सा साइड में रख लिया था उसे आपको इस तरह से ग्रेटर के ऊपर ग्रेट करके इस ग्रेवी में डालना है। तो देख लीजिए, हमने जो अंडे के अंदर के सारे पीले हिस्से रखे थे उसे आपको सबको इस तरह से ग्रेट करके इसमें डालना है। पहले आपको लगा होगा कि हम इसे फेंकने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आपको इसे फेंकना। इस तरह से अगर आप उसको ग्रेवी में यूज़ करते हैं तो उस ग्रेवी का टेक्सचर बदल जाता है, टेस्ट बदल जाती है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आता है। अब इसे हम लोग बस 5 से 7 मिनट तक इस तरह से लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, तब तक ये तेल भी अच्छे से छोड़ना शुरू कर चुका होगा। देख लीजिए, हमने जो अंडे इसमें ग्रेट करके डाले थे, मीन्स अंडे का जो अंदर का हिस्सा होता है उसे ग्रेट करके डाला था, उसे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अगर ये कच्चे रहते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी तरह से तेल छूटना भी शुरू हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके बाद हमने जो पहले से ही अंडे फ्राई करके रख लिए हैं उसे, अगर आप इसे तवे के ऊपर नहीं बनाना चाहते तो किसी भी तरह की पैन में इसे बना सकते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको इसे रखना है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक का यूज़ किया है और बटर में भी हल्का सा नमक होता है। तो अब इसके बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी आप इसकी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखने वाली हूँ बस। और हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना होगा, और मैंने इसमें अब डाल दिया है 1 से 2 चम्मच बटर, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। एक बार अंडों को ऊपर से टर्न कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और हमारा गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला तवा अंडा मसाला बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इससे हमारा जो तवा अंडा मसाला है वो खाने में तो टेस्टी है ही, दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप इस अंडा मसाला को किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही बढ़िया से इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि राइस हुआ, ब्रेड, पाव, रोटी या बटर नान के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको मेरी ये भी रेसिपी हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड दावत चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।